पर इस तरह से काम करने में 6 महीने के अंदर पूरा टावर बन के तैयार हो जाता है। दूसरा एडवांटेज है कि इसमें कोई भी जो हम लोग ब्रिक वर्क या प्लास्टर बोलते हैं उसका बिल्कुल जरूरत खत्म हो जाता है, क्योंकि स्लैब और वॉल वो सब कुछ जैसे इस कमरे में बैठे वॉल भी है स्लैब भी है वो कंक्रीट का बनता है और इसके लिए प्लास्टर भी करने का जरूरत नहीं है। तो बेसिकली काफ़ी इको सेंसिटिव है, फास्टर कंस्ट्रक्शन है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, सीपेज का जो प्रॉब्लम हम लोग बिल्डिंग में देखते हैं वो खत्म हो जाता है। और जैसे ये एक फ्लोर खत्म हुआ तो लगभग पूरा बिल्डिंग और फ्लैट तैयार है, केवल उसके बाद उसको फिनिशिंग करने का टाइम होता है। तो बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट भी देखा जाए तो 1 साल 1.5 साल या 2 साल में ख़त्म कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। चूँकि एसोटेक का कमिटमेंट यहाँ पर काफ़ी लंबा है, क्योंकि हम करीब 2009 में कॉस्मोपॉलिस बनाए थे जो खंडगिरी में, उस समय का ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट रहा उड़ीसा के लिए और भुवनेश्वर के लिए। पायनियर डिज़ाइन था, फैसिलिटीज़ थी, टाइम से कंप्लीट हुआ और 100% कंप्लीट करके हैंडओवर दे चुके हैं जो वहाँ RWA है। तो इसलिए डिमांड था एसोटेक के नाम पे, एसोटेक के ब्रांड पे ट्रस्ट था और ये ट्रस्ट का ही ये नतीजा है कि जो एसोटेक प्राइड हमारा नया प्रोजेक्ट जिसका हम आपको अभी फिल्म दिखाएं वो काफ़ी हद तक बिक चुका है। और रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, सारे अप्रूवल हैं और कंस्ट्रक्शन से चल रहा है। एज पर रेरा के हिसाब से आज हम लोग 6 मंथ अहेड ऑफ शेड्यूल हैं। तो आपके माध्यम से, आपके मीडियम से हम अपने कस्टमर्स को और एश्योरेंस को वही प्रोडक्ट जो एसोटेक ने कॉस्मोपॉलिस के साथ स्टार्ट किया था, उस जर्नी को लास्ट 14 साल में जो हम लोग उड़ीसा के साथ भुवनेश्वर से जुड़े हैं, मैं संजीव श्रीवास्तव, मैं भी बिलोंग करता हूँ ईस्ट इंडिया से। सो ऑल्दो हमारा ऑफिस दिल्ली में है, हमारा मेन बिजनेस सेंटर जो है वो नोएडा में है, लेकिन जो ईस्ट इंडिया के नाते हम यहाँ के अलावा रांची में भी ऐसा ही बड़ा हाउसिंग कर रहे हैं। सो जो कमिटमेंट था हम लोग के इस रीज़न का, ऐसा लगता था कि यहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट नहीं आ सकते। तो वी आर वेरी हैप्पी कि एसोटेक इस एरिया में, इस रीज़न में, ईस्ट इंडिया में, जो इमर्जिंग इंडिया है, जो आज के डेट में जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है, हम भी अपना एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं।